What's up guys? Finally, रच दिया इतिहास चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग और उसके बाद पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया देखते हैं इसके अंदर। अभी ताजा तो मुझे लगता है नहीं आई होगी, लेकिन जैसे जैसे आती जाएंगी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया वो देखने में बड़ा दिलचस्प मजा आएगा, तो देखेंगे जरूर। क्योंकि वो ये कहते थे कि चांद तो यहीं से दिखता है, क्यों जाना। तो भैया सबसे पहले जय हिंद, जय भारत और कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया ह्यूमैनिटी एंड स्पेशली इसरो। उन्होंने डे इन डे आउट कितनी मेहनत करी है। तो वीडियो देखते हैं, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। प्रधानमंत्री जी नमस्कार जी। वीडियो सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। आवाज में जो इमोशन है ना सर। दोस्तों आज एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक सक्सेस है भारत के लिए, और ये मिठाई जो मैंने कमिटमेंट की थी और मैंने कहा था अभिषेक भाई को आज से 3 दिन पहले मेगा मिठाई आएगी, और बिलीव मी आज बहुत अहम दिन है दोस्तों सारे हिंदुस्तानियों के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, आज मत चूकना। एक बार IPL छूट जाए कोई बात नहीं, एक बार वर्ल्ड कप का फाइनल छूट जाए कोई बात नहीं, ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चंद्रयान है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। पीपल आर अप्लॉडिंग, लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो। आज उनके लिए ये गाना समर्पित है मेरा, कि तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चंद्रयान 3 हमने चंद्रमा पे पहुंचाया। इतनी इंडिया से क्यों नफरत भाई, उससे सीखो कहाँ चला गया। 5वें नंबर पे इकोनॉमी आ गई, जिस मोदी को कहते थे ये फलां है, इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क के किधर ले गए। और मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी मुबारकबाद दे इंडिया को, लेकिन वो सारी बात है क्योंकि हमारे थोड़े से हालात इस तरह के हैं कि हम शायद वो ना मुबारक दे सके हमारी लीडरशिप। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता। नहीं मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। बताओ भाई क्या क्या कहोगे भाई के लिए, बहुत कर दी। शेयर कर दे दोस्तों वीडियो, इसको 21 तोहफों के साथ रिस्पेक्ट है। दोस्तों आज भारत ने पूरी मानवता के लिए एक नया इतिहास रच दिया है, चांद के साउथ पोल पर विक्रम रोवर को लैंड करवा के। जी हाँ दोस्तों, भारत का ये चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल हो चुका है और भारत बन गया है दुनिया का 4th देश जो चांद पर अपना रोवर को लैंड करवाया है। और यहाँ से अब भारत पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक नया इतिहास शुरू करने जा रहा है, क्योंकि भारत ही पहला देश था जिसने बताया था कि चांद पर पानी मौजूद है, और अब भारत ही पहला देश है जिसने साउथ पोल पर अपने रोवर को लैंड करवाया। और इसके पहले सुपर पावर रशिया ने भी कोशिश कर ली पर वह नाकाम रहा, लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने गारंटी देते हुए कहा था कि भारत का ये चंद्रयान मिशन जरूर से चांद पर लैंड होगा, और इसरो की गारंटी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। दोस्तों आप लोगों को ये भी याद होगा कि पाकिस्तान के कुछ जाहिल गवार कह रहे थे कि अगर रशिया अपना लैंडर को लैंड नहीं कर पाया है तो भारत भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन आज भारत और इसरो ने अपनी लोहा पूरी दुनिया भर में मना चुका है, सबसे कम बजट में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी निकाल कर दिखाया है हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने, और हम इसरो के साइंटिस्ट और हर एक वर्कर को अपना शत शत नमन पेश करते हैं। फौज चौधरी साहब को आप जानते होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये कहा गया है कि कल जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग होगी, मून पे लैंडिंग होगी इंडिया के चंद्रयान 3 की, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाइव चलना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए उसकी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल होनी चाहिए, आज का बयान तो वाकई उस पे होनी चाहिए। अच्छी बात जी, हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त। हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी। ठीक हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो अच्छा, लेकिन ये है कि जब चंद्रयान 2 था तब तो यही फौज साहब थे जो मीम्स बना रहे थे या जो बात कर रहे थे कि इंडिया ने इतने पैसे ऐसे ही लगा दिए चांद पे जाने। पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो जब ये हुकूमत में होते हैं कुछ और बयान होते हैं, जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं फिर ये आपको पता है ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं सियासतदान। ठीक है, इनका एक मौकफ नहीं होता। तो आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता। नहीं मतलब हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है,
वहाँ पे गैस है नहीं गैस इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा, वो आप बताएं कैसे। वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने। ठीक हो गया, क्या कहेंगे, किस तरीके से हमें भी ये इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, हमें भी देखें अप्रिशिएट करें। और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ प्रॉपरली कह दूँ कि कोई भी अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल, खासतौर पर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मेन स्ट्रीम चैनल है, वो अगर ब्रॉडकास्टिंग करेगा चंद्रयान 3 की कल, तो हम उसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर उस चैनल को हम अप्रिशिएट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, हमें सीखने की जरूरत है, हम इस तरीके से आज 2023 में भी अगर नफरतें रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे। नफरत से क्या मिला बताए ना, या तो नफरत से कुछ मिला हो ना हासिल हुआ हो, तो फिर तो हम नफरत करें ना। ठीक हो गया, अगर यही चीज कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना कोई भी दूसरा मुल्क हमने दिखाना था, बिल्कुल इतनी इंडिया से क्यों नफरत भाई, उससे सीखो, कहाँ चला गया, 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई, जिस मोदी को कहते थे ये फलां है, इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखे मुल्क किधर ले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी जो कमिटमेंट है भारत की, ये कमिटमेंट उनको वहाँ पे लेगी, इसके अंदर नेशनलिज्म है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन, ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी अमंग 5 बिग पावर्स एट द मोमेंट इन ब्रिक्स इन जोहान्सबर्ग प्रिटोरिया, क्या वहाँ पे उनकी क्या पोजीशन होगी, क्या पोजीशन होगी उनकी वहाँ पे, कि वो जनाब जैसे बोलते हैं ना, एक मुकाम है उनका उस वक्त, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज मौजूद है, रशियन मौजूद है, ब्राजीलियन मौजूद है, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोग हैं, और वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होंगे, जारी बात है शी जिनपिंग को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट है, और मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी मुबारकबाद दे इंडिया को, लेकिन वो जारी बात है क्योंकि हमारे थोड़े से हालात इस तरह के हैं कि हम शायद वो ना मुबारक दे सके, हमारी लीडरशिप द रीज़न बिहाइंड इज अगे ही थे बड़ा कुछ ढूंढे हैं, उन्होंने कहा लो जी इंडिया ने मुबारक दे रहे हैं देखो, और वो और आजकल क्योंकि एक ख़ास किस्म की लॉबी है पाकिस्तान में, जो लॉबी सारा टाइम फौज को टारगेट कर रही है और अदारों को टारगेट कर रही है, तो वो कहे अच्छा देख लो इंडिया चांद पे पड़ गया है, तुम यह कर रहे हो। 6:04 पर जो भी रिजल्ट है, जो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं अब तक की हम पास्ट एक्सपीरियंस देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा। और आपको क्या लगता है, अगर वो सक्सेसफुली लैंड कर जाएगा तो क्या वो नासा को रिप्लेस कर देगा, या नासा को टक्कर देने के लिए अब इसरो जो है वो तैयार है, क्या कहेंगे? मैं भारतीय हूँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं नासा को अपने से अलग नहीं देखता। एक भारतीय चाहेगा कि नासा की शक्तियां, इसरो की शक्तियां, रॉसकॉस्मोस की शक्तियां, एबिलिटियां एक साथ हों, जुड़े। मैं हम नासा को हराने के लिए चंद्रयान नहीं भेजे, ये नासा की सोच हो सकती थी, हमारी नहीं। ये एक अमेरिकन कह तो कह सकता है कि तुम इंडियन से करने के लिए सक्षम हो, पर एक भारतीय, एक सच्चा भारतीय वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पूर्वजों ने कभी नहीं सिखाया उसको, उसके पूर्वजों ने उसे विश्व बंधुत्व की, विश्व शांति की, विश्व कल्याण की और विश्व गुरु की कल्पना बनी। भारत ऐसे ही विश्व गुरु बन जाएगा। अगर भारत ये कहेगा कि हमने नासा को हरा दिया तो हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, हम भारत गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु मतलब विश्व का शिक्षक, विश्व गुरु मतलब विश्व को ज्ञान देने वाला सभ्यता। नासा से हमारा कोई टक्कर नहीं है, बहुत डीप बात बोली, नासा दिल जीत लिया, अपनी जगह पे ग्रेट है, हम अपनी जगह पे ग्रेट है, इसलिए नासा के साथ और सबके साथ हम जिसे कहते हैं कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं, मानवता को और नए आयाम देना चाहते हैं, मानवता के लिए और बड़े काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन भारत ने 13 महीना करना शुरू किया तो वो अपने पूर्वजों की बड़ी शिक्षा जो है वो खो देगा। भारत ने स्वेच्छा से, यदि आप उसको पोक करेंगी तो 13 महीना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमको तो धर्म संस्थापना जो फॉर्मूला है कि आपको अपनी बचाव भी करना है, क्योंकि भारत के रहने के लिए ही भारत अपनी बात कह पाएगा। तो जो लोग कहते थे कि अफगानिस्तान का ग्रेवयार्ड है, अफगानिस्तान जो है एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है, वो मूर्ख हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपनी रास्ता चेंज कर लिया, लेकिन हम 10,000-20,000 से सनातनी परंपरा को जीवित किए रखे हैं, और इसी परंपरा को बचाने के लिए हमने कई 700 साल तक कई आइडियोलॉजी से लोहा लिया है,
और उनको उनको भारत की भूमि में दफन किया है। सो हमारे मुल्क की तो पोजीशन ये है कि हमने तो अपने अदारों को जो है वो क्रिटिसाइज करना है, तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया को इस वक्त बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में अगर हमारी हुकूमत मुबारक देती है तो ये एक और चीज़ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दे देनी चाहिए। उसकी वजह ये है वो कि इंडिया के मूड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इंडिया को तो इसकी कोई परवाह नहीं, आप मुबारक दें या ना दें, उन्होंने कहना है जी कि जैसे वो कहते हैं ना हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुबारक दें या ना दें, लेकिन इंडिया को फ़र्क पड़े ना पड़े पाकिस्तान में फिर हो सकता है लीडरशिप की जो है ना क्लास लगनी शुरू हो जाए। सो ये भी एक फैक्टर है, लेकिन जारी बात है इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड वेरी लार्जली, इसको डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि भाई इंडिया चांद पे चला गया, इंडिया की जो है वो चंद्रयान 3 की जो ये सक्सेस है, ठीक है ये चांद पे जाने से इंडिया अब ग्लोबली जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े टेबल्स में बैठेगा, एलीट क्लब में, ठीक है उस एलीट क्लब का हिस्सा बनेगा जहाँ पे ऐसे ममालिक हैं जो 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 चांद के साउथ पोल पे नहीं गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विन है भाई, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें, जो लोग समझते हैं कि अंडर एस्टिमेट करेंगे, ये अंडर एस्टिमेट करने वाली बात नहीं है। जो भाई ने बात करी थी ना वो कि विश्व गुरु वाली, तो मैं वहीं से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उस बारे में मोदी जी का आज का भाषण सुनना जो हाँ। उन्होंने चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद जो उन्होंने कहा था ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इससे ह्यूमैनिटी और आगे बहुत कुछ डिस्कवर कर पाएगी, और ये मैनकाइंड वाली बात आती है ना, यही चीज की हम एकजुट होकर करते हैं। वो बोली ना कि हम नहीं कोशिश करेंगे या चाहेंगे कि नासा नीचे आए इस ऊपर जाए ऐसे ऐसे, हम सोचते हैं कि एकजुट होकर आगे काम करें। वो कहते हैं एकता में बल है, वही वाला इंडिया का हमेशा देखना, इंडिया का वो माइंडसेट होता ही नहीं है कि उस तरीके से कि भैया ना इनका ये हो जाए। अभी हाल ही में लूना 25 क्रैश भी हो तब भी लोगों को दुख हुआ, सबका साथ है ना, सबका साथ सबका बोला ना, सबको साथ लेके चलने वाला देश है भाई। अभी लूना 25 जब क्रैश हुआ तब भी सबको बुरा लगा, एज एन इंडियन हमें बुरा लगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि कोई रेस हो रही है कुछ, वो भी कुछ ना कुछ अचीव ही करता जाके हर एक चीज होती है। लेकिन आज वैसे भी रशिया मतलब वो कहते हैं ना दोस्त, ये जो पल है लेकिन किसी कोई नहीं छीन सकता, ये एक बहुत गर्व प्राइड की बात है एज एन इंडियन फॉर इंडियंस, बहुत फक्र है मैं सीधी बात बोलूंगा इसरो के ऊपर कि उनके साइंटिस्ट ने क्या होता है 2019 में जब वो घटना हुई थी ना उसके बाद भी अपने आप को मोटिवेट करके हां जी क्या था स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस ये बोला था ना, आज वो ही मैन देखो कहां पे कितने बड़े बड़े कंट्री के इतने जो ऑफिशियल जो याद है मोदी जी ने क्या कहा था कि टूर भी हुआ करेंगे चंदा मामा के इस तरीके से, अब वो चंदा मामा टूर के एक टूर के एक चंदा टूर के, मामा एक टूर के भाई बहुत ही दिल कहावत है जिसे नहीं पता वो बता दे, दिल जीतने वाला दिन है आज। नहीं जिसे नहीं पता ना मतलब अगर जैसे पाकिस्तान से भी कुछ लोग देखते होंगे वो कहावत है हमारे यहाँ चंदा मामा दूर के, तब उसको मोदी जी ने वो करा था कि चंदा मामा अब एक टूर के। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, बाकी जय हिंद जय भारत लिख देना गाइस, और आप कहां से देख रहे हो वीडियो ये भी कमेंट कर देना, एज अ भारतीय अगेन आई वुड से गर्व है। बाय बाय, टेक केयर।